व्यूअर्स, मैं हूँ तनवीर अहमद किचन गार्डिंग से आपके साथ। आज हम किचन गार्डिंग में बैंगन के पौधे आपको दिखाएंगे। ये बैंगन के प्लांट जो बिल्कुल आपने साथ इन्होंने इस टाइम बैंगन लगाए हुए हैं, इस पौधे के साथ सिर्फ एक ही लगा हुआ है। और ये जो मेरे पास इस साइड पे पौधा है, इसको अभी काफ़ी सारे छोटे छोटे लगे हुए हैं। मैंने इससे पहले बैंगन की पनीरी ग्रो करने का तरीका अपलोड किया था, उसके बाद ये प्लांट जब बड़े हुए थे मैंने अपने व्यूअर्स के लिए वो प्लांट बैंगन के प्लांट दिखाए थे व्यूअर्स को, जब वो तैयार हो गए थे अलग अलग पॉड में कन्वर्ट होने के लिए। और अब उन प्लांट्स के बाद ये बैंगन बिल्कुल तैयार हैं और लग रहे हैं। ये बैंगन जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं, ये अभी एक छोटा सा पौधा है और इसको मैंने इसके साथ दो से तीन बैंगन अभी तक तोड़ चुका हूँ। वो काफ़ी बड़े हो गए थे, वो इनसे पहले लगे हुए थे, तो ये फूल तब थे, तो तब ये बन रहे थे बैंगन छोटे थे, तो वो मैंने बड़े बैंगन यहाँ से उतार लिए थे। मैंने आपको व्यूवर्स को पहले भी बताया होगा कि ये बालू मिट्टी थी, अगर आपको बालू मिट्टी अवेलेबल नहीं तो आप 50 सैंड और 50 सॉइल को मिक्स करके पॉड में डाल लें। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो वो भी उसके अंदर डाल लें, वो काफ़ी बेहतर रहता है गाय का गोबर। जब आपके प्लांट बड़े हों तो कोशिश किया करें कि सुबह उठकर आप उन प्लांट्स को पानी का शावर मारा करें प्लांट्स के ऊपर। जब आप प्लांट्स के ऊपर पानी का शावर मारेंगे तो इसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि इसके ऊपर कोई कीड़ा लगेगा। अगर कीड़ा लग जाए तो वो फिर जल्दी पानी से उतरता नहीं है, आप चाहे उसको पानी मारते भी रहें तो वो जल्दी रिमूव नहीं होता, तो उसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ती, केमिकल करना पड़ता है। तो बेहतर यही होगा कि जब आपके प्लांट छोटे हैं और तैयार हो रहे हैं तो आप उन प्लांट्स के ऊपर शुरू से आदत बना लें पानी का स्प्रे करने की। दो दिन बाद, एक दिन बाद, तीन दिन बाद पानी का स्प्रे किया करें। पानी के स्प्रे की वजह से ये फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर जो भी कीड़ा आएगा वो बैठेगा और उड़ जाएगा, वो परमानेंट इसके ऊपर नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि कीड़े महसूस कर लेते हैं कि ये पौधा बार बार गीला हो रहा है, तो वो उसके ऊपर कीड़े कम बैठते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ व्यूवर्स ये अपने घर में ग्रो करेंगे। आज की वीडियो हमारी एग प्लांट पर ही थी, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम।